नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमो सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। बोली सद्गुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय सद्गुरु कबीर साहब परमादरणीय परम पूज्य मान साहबान परम श्रद्धे संत महात्माओं परमादरणीय आदरणीय बहने परम सद्गुरु कबीर साहब के अनन्य प्रेमी सज्जन वृंद भक्तिमती माताओं बहनों, परम हर्ष का विषय है कबीर धर्म नगर गेवरा में संत समागम समारोह का आयोजन हो रहा है और आज उस आयोजन के चौथे दिन हमें इस मंच तक इस आयोजन स्थल तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विगत चार वर्षों से यह सौभाग्य मिलते आ रहा है लेकिन इस वर्ष अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि जैसा कि पूर्व में विद्वानों ने कहा कि इस बार अनेक संप्रदाय अनेक मत से संत जनों का आगमन हुआ है और मेरे जानकारी में ऐसा पहली बार हुआ कि हमारे बहने जो है इस मंच तक आकर के अपना बात विचार रखे हैं। सज्जनों, जब जब मौका मिले हम आप सभी को तब तक सत्संग का लाभ लेना चाहिए और सत्संग में आने से क्या लाभ होता है आप सभी को थोड़े से शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। सज्जनों, आप सभी महसूस किए होंगे कि जब हम फूलों के बगीचे में जाते हैं तो वहाँ कुछ कांटे के बगीचे भी रहते हैं, उसी बगीचे में फूल भी होते हैं, उसी बगीचे में कांटे भी रहते हैं, लेकिन जब आप फूलों के बगीचे से गुजरेंगे तब आपको सुगंध की अनुभूति होगी, आपको खुशबू का एहसास होगा और जब आप कांटों के बगीचे में प्रवेश करेंगे और अगर नीचे कांटे हैं तो चाहे आप जानबूझ करके उस कांटे के बगीचे में जाएं तो या अनजाने में जाएं तो अगर आपका पैर अगर कांटों में अगर पड़ता है तो निश्चित रूप से आपको जो है चोट लगेगी और अगर फूलों के बगीचे में अगर आप चाहे जाने में चाहे अनजाने में अगर प्रवेश कर लिए तो उसका स्वभाव होता है आपको जो है सुगंध देना, आपको जो है खुशबू से आपको कृतार्थ करना। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से जहाँ भी सत्संग होता रहे, जहाँ भी महापुरुषों का वाणी वचन चलता रहे, वहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो चाहे आप जानबूझ करके पहुँचे हों, चाहे अनजाने में पहुँचे हों, चाहे निमंत्रण में या बिना निमंत्रण में, अगर आप किसी तरह से अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन में लाभ होगा, आपको अच्छी सद्बुद्धि प्राप्त होगी, आपको जीवन जीने की अच्छी कला मिलेगी। तो सज्जनों, कई बार सुनने में आता है कि वहाँ ऐसा आयोजन हो रहा है, मुझे निमंत्रण नहीं मिल पाया है, तो सज्जनों ये इसमें निमंत्रण नहीं रखना चाहिए, इसमें आपके जन कल्याण के लिए आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं जिसे आपके जीवन में बहुत सफलता मिलती है, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सद्बुद्धि मिलती है, तो इसमें किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं देखते हुए वहाँ पर अपने हृदय से इच्छा व्यक्त करके वहाँ पहुँचना चाहिए और संत महापुरुषों के वाणी वचनों का लाभ लेना चाहिए। सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद कबीर धर्मनगर गेवरा के सभी पदाधिकारियों को कि इस तरह के आयोजन करते हैं आ रहे हैं और हमेशा करते रहे, इसके लिए बहुत बहुत मंगल कामना है। सद्गुरु कबीर साहब के विशेष वाणियों का इन्होंने चरितार्थ किया है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों से मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। इस बात को निश्चित रूप से कबीर धर्मनगर गेवरा के आदरणीय महान श्री साहेब जी और छोटे साहेब जी इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज बहनों के द्वारा आज उद्बोधन सुनने को मिला तो इन बहनों के विषय में मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा। सज्जनों, बेटियों ने हमेशा ही इस देश का नाम रोशन किया है, बन के मेरा बाई जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार ले लक्ष्मी बाई बनी, इंदिरा बन समूचे विश्व के आगे तनी, सानिया बन खेल के मैदान में खिल खिलाई, ऐश बन सौंदर्य से सारे जगत को जीत लाई, सुर लता मंगेशकर के सुन समुंदर डोलते हैं। और प्यारे भाई बहनों, प्यारे सज्जनों, मूर्ख हैं वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, इस बात को निश्चित रूप से आज हमारे इस मंच की सभी बहनों ने चरितार्थ किया है और सद्गुरु कबीर साहब से मंगल कामना है कि आगे भी इस तरह से
अच्छे कार्य में लगे रहें और जो है समाज का नाम रोशन करते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। और सद्गुरु कबीर साहब से बहुत बहुत प्रार्थना कि इस तरह का आयोजन जो है हमेशा हर साल हर वर्ष इस कबीर धर्मनगर गेवरा में पूरे विश्व में इस तरह से होता रहे, यही हमारी मंगल कामना है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो, साहेब बंदगी। सी लॉग डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोरबा, कांटेक्ट नंबर 9907119215।